और अब मुंबई की हॉट सीट, सबसे तगड़ी फाइट। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जहां महायुति के दो दलों ने एक साथ कैंडिडेट उतार दिए हैं। इसमें मामला पेचीदा हो चला है। ऐसी ही एक सीट मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर है, और यही नहीं, ये सीट इसलिए भी हॉट सीट बन गई है क्योंकि यहां दो प्रत्याशी, इनमें अबू आजमी और नवाब मलिक शामिल हैं। अबू आजमी जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में कूदे हैं, तो उन्हें महाविकास अघाड़ी का समर्थन है। नवाब मलिक को एनसीपी अजित पवार गुट ने मैदान में उतारा है। अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट पर इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला माना जा रहा है। यही नहीं, AIMIM के मुस्लिम प्रत्याशी ने इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है, इसे रोचक बना दिया है, और इसलिए मुंबई की हॉट सीट पर है सबसे तगड़ी फाइट। देखिए, अब की बार का महाराष्ट्र चुनाव जितना दिलचस्प है, उससे कहीं ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई वाला है। ये दिखाने वाला है कि किसमें कितना दम है, कौन असली है और कौन नकली है। प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ महीनों से ये बातें हर ओर सुनाई दे रही। बाला साहब ठाकरे के शिवसेना को लेकर एनसीपी में चाचा भतीजे तक, सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से लेकर महाराष्ट्र में चुनाव तक जिस तरह से जंग छिड़ी, उस पर फाइनल मुहर अब की बार के विधानसभा चुनाव में लगने जा रहा है। आखिर कौन है असली और कौन है नकली, और कैसे इस बार इसको लेकर फाइनल वॉर होने जा रही है। यहाँ पर सब लोग, ये चुनाव का माहौल नहीं, ये उत्साह नहीं, ये उत्सव बन गया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। चुनाव में लड़ने का अधिकार है, और आज अजीत दादा हो या योगेंद्र हो, ये सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब से पवार साहब 1967 में पहली बार जब चुनाव लड़े थे, तभी से मेरी दादा और दादी जी ने ये शुरू किया था, और यही हमारे संस्कार है। जनता में बीजेपी के विरोध में भय, रोष है, उसी का असर आप देखते हो कि लोग इस तरह से ताकत के साथ रास्ते पे उतरे हैं। जन समर्थन देख रहे, ये जन समर्थन ये दिखा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावन फुले जी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आप देख रहे हो, ये एटमॉस्फेयर जो है, ये वातावरण जो है, वो अद्भुत है। यही जनता का प्यार है, आशीर्वाद है। एमवीए वर्सेस महायुति के महादंगल के बीच एक विधानसभा ऐसी है जिसने इस सीट पर फाइट को बहुत टाइट कर दिया। महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट, महाराष्ट्र का मुंबई और मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट जो अब हॉट सीट बन गई है। यहां तीन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, अखिलेश यादव, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। वैसे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे एक गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन दोनों ने मानखुर्द सीट से प्रत्याशी उतार दिया, जिससे दोनों आमने सामने आ गए। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी इस सीट से पिछले तीन चुनाव जीत रही, लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। वैसे अल्पसंख्यक बाहुल्य मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर मुख्य मुकाबला जीत के हैट्रिक लगाने वाले समाजवादी पार्टी के अबू कासिम आजमी और एनसीपी अजित गुट के नवाब मलिक के बीच। नवाब मलिक भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। अबू आजमी और नवाब मलिक दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और दोनों ने अपनी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की, लेकिन बाद में नवाब मलिक एनसीपी में शामिल हो गए और महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री भी रहे। 50% से अधिक आबादी वाले मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र में समुदाय के दो प्रमुख नेताओं, समाजवादी पार्टी के राज्य प्रमुख और मौजूदा विधायक अबू आसिम आजमी और अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के नवाब मलिक के बीच एक उच्च दाव की लड़ाई की उम्मीदें। तीसरे उम्मीदवार ने सारे समीकरण हवा में उड़ा दिए। तीसरे मुस्लिम उम्मीदवार AIMIM के अतीक अहमद खान, तो वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के सुरेश पाटिल भी मैदान में नजर आ रहे हैं। ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ये सरकार डरा धमका और खोखे वाली सरकार है।
ये डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, ये डरा धमका कर बनाई हुई सरकार है। ऐसी सरकार तो चलना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिसे आगे बढ़ाता हूं वही मुझे पीछे गिराता है, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। कितने पाले हुए बच्चे कहां चले गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या गांधी जी की आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो वो खून के आंसू रोती होगी। जिस देश को हमने बनाने के लिए अपनी जान निछावर कर दिया, उस देश में आज गांधी जी के कातिल की मूर्ति बनाने की बात करते हैं, गांधी जी की कातिल की मूर्ति बनाकर मंदिर बनाकर पूजा करने की बात करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें बहुत सतर्क रहना है और किसी तरह से भी अब की बार उस सरकार को नहीं जाने देना जिसने पूरा का पूरा देश का प्रॉपर्टी बेच दिया। अरे दुनिया में जितनी भी है, जितने भी देश है छोटे से छोटे, सबकी अपनी एयरलाइन है, मेरे देश की कोई एयरलाइन ही नहीं है, सारी प्रॉपर्टी बेच दिया। ये संकल्प लो कि इस देश की संस्कृति को, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम इतना मेहनत करेंगे, इतना कष्ट करेंगे कि अब की बार वो सरकार दूर दूर तक नजर ना आने पाए। 145 की बात तो दूर की है, उसके नजदीक कम से कम 70-75 से ऊपर ना जाने पाए। संकल्प है कि नहीं बोलो, ये संकल्प लेके जाना है यहां से दोस्तों। इस बार मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय से 3 उम्मीदवारों की उपस्थिति के अलावा मलिक और आजमी के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंदिता भी इस सीट को हॉट सीट बनाए हुए है। दोनों ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एसपी के साथ की थी, लेकिन अब इस सीट पर जिस तरह का माहौल नजर आ रहा उसने इसे महाराष्ट्र के सबसे हॉट सीट में से एक बना दिया। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 3 बार से मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर जीत रहे। हर बार जीत का अंतर और वोट का प्रतिशत बढ़ता रहा। वो कह रहे हैं कि हमें मानखुर्द के लोगों का प्यार मिल रहा है, इस बार जीत का अंतर और बढ़ेगा, कोई लड़े इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, मानखुर्द के लोग हमारे साथ हैं। इस बार तो ज्यादा ही जोश दिख रहा है। पहली बार लड़ा तो कम रोड से जीता, दूसरी बार और रोड से जीता, तीसरी बार और रोड से जीता, चौथी बार मुझे लगता है और ज्यादा और से जीतूंगा। यहाँ की जनता मेरे साथ है, जनता प्यार करती है, जनता से मैं प्यार करता हूँ। मैं यहाँ पर कोई MLA नहीं हूँ, मैं इनका भाई हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका परिवार का हूँ। ये सब रहने वाले सब मेरे अपने लोग हैं, तो मुझे जीत की पूरा का पूरा यकीन है। समाजवादी पार्टी की तो हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी का महा विकास अघाड़ी से अलायंस है। भले अभी 2 सीट की बात हुई है, लेकिन 5 सीटों की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरे महा विकास अघाड़ी के जो घटक लोग हैं इस बात को मानेंगे कि वोटों के बिखराव से हम लोग हार सकते हैं। हम गुस्से में ज़्यादा सीटें नहीं खड़ी की जाए, पार्टी छोटी होती है, देश बड़ा होता है, अभी भी मान जाएंगे मुझे लगता है। आ जाना कोई बात नहीं, जिसको आना हुआ है हम क्या कर सकते हैं, लड़े जिसको लड़ना हो, इलेक्शन टफ नहीं होगा। नहीं देखिए अब क्या होगा वो, मैं तो जनता से पूछ रहा हूँ, जनता में एक व्यक्ति भी मुझे ऐसा नहीं मिला है जो ये कह दे कि आप मत लड़िए आप हारेंगे, क्यों नहीं मिला। वही NCP की ओर से प्रत्याशी बनाए गए नवाब मलिक का लंबा राजनीतिक अनुभव। वो 5 बार विधायक रहे और मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से जुड़ी अनुशक्ति नगर सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार अनुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी NCP अजित गुट से चुनाव लड़ रही और नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर आ गए, वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता का मुझे समर्थन है, किसका विरोध है उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं। क्या महायुति के घटक दल भी आपके साथ मैदान में उतरेंगे, कैसे आपको समर्थन? मुझे, मैं जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ, नेताओं के भरोसे नहीं। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था, साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से AB फॉर्म जमा कराया गया 2/55 को। पर अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, पप्पू पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। वही मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने भले ही सुरेश कृष्ण राव पाटिल को प्रत्याशी बनाया है, जिससे इस सीट पर महायुति के 2 दल आमने सामने। वही नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध कर रही BJP उनकी उम्मीदवारी पर मान गई, लेकिन उसने नवाब मलिक के पक्ष में प्रचार से इनकार कर दिया।
भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे। महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत। विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल आहे। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका या अगोदरही देवेंद्रजींनी स्पष्ट केली, मी वारंवार केली, पुन्हा एकदा सांगतोय, नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। बीजेपीने अपनी स्थिति साफ कर दी, लेकिन उसके बाद भी अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। अबू आजमी यहां से 3 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। इसके बगल वाली सीट से नवाब मलिक 5 बार चुनाव जीते हैं अनुशक्ति नगर से। तो दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। इस बीच महायुति में शिवसेना शिंदे गुट ने भी यहां से अपना उम्मीदवार दिया है। इसके बीच सच्चाई ये भी है कि मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में देश का सबसे पुराना देवनार डंपिंग ग्राउंड है, जो हर चुनाव में मुद्दा रहता है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया। यहाँ की अगर सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो देश का सबसे पुराना डंपिंग ग्राउंड देवनार डंपिंग ग्राउंड यहीं पर है और इसके आसपास हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। और जब यहाँ पर आग लगती है, गर्मी के दिनों में आग लगती है, तो कई सारे लोगों को यहाँ पर सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। वही मानखुर्द के पूरे इलाके की बात करें तो इस इलाके में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की बड़ी आबादी, जिनकी अपनी परेशानियां भी। पूरे इलाके को मुंबई के सबसे गरीब इलाकों में गिना जाता है। तो मुंबई के सबसे गरीब इलाकों में होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या है, इसके अलावा डंपिंग ग्राउंड के कारण लोगों के सांस की बीमारियों की समस्या होती है। जब डंपिंग ग्राउंड में आग लगती है तब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कई सारे जो लोग हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, कई जगहों पर पानी ठीक से नहीं आता है। अल्पसंख्यक मानखुर्द शिवाजी नगर इलाके के लोग अबू आजमी और नवाब मलिक को लेकर बटे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के प्रचार के लिए होने वाली सभाओं में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। इधर तो हमेशा से समाजवादी ही रहता है, वही रहेगा अबू आजमी। इस बार तो मुकाबला उनका नवाब मलिक से हो रहा है, वो कैसा है? शुरू से यहीं से कितना साल से है वो, तो आदमी नया आदमी के ऊपर भरोसा करने में टाइम लगेगा। अभी अगली बार देखेंगे, अभी तो अबू आजमी ही रहेगा। इस बार नवाब मलिक भाई को ही हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जिताने के लिए। हमारे मलिक भाई को नया कैंडिडेट है, उनको जिता के देखते हैं उनका क्या है। इसमें कुछ नहीं कह रहे, दोनों की टक्कर है, सिर्फ कुछ मतलब नहीं कह सकते, दोनों की टक्कर बराबर है। अबू आजमी और नवाब मलिक, हाँ दोनों की टक्कर है। नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों से राजनीति से थोड़ा दूर बैठे, हाँ बराबर है, बाकी वही हिसाब है, वो भी अपनी जगह सही है, पब्लिक के ऊपर होता है भाई। हाँ। चला गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है आने के बाद भी उसका डिमांड होएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। सबका ही लग रहा है, सब अपने अपने यहाँ से लड़ रहे हैं, सब जोर लगा रहे, क्या करेंगे अभी? क्या मुद्दे क्या हैं इस बार आप लोग क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है अच्छा सर्विस दो, कोई भी हो पर अच्छा सर्विस दो, कोई भी हो। हर बार तो अबू आसिम अकेले रहते थे, इस बार सामने से तो नवाब मलिक हैं, तो हो सकता है कुछ बराबरी का टक्कर हो। बराबरी का टक्कर हो जी। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो जो महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार था उसको 87,000 की लीड मिली थी यहाँ से, तो उसको देखते हुए तो लगता है अबू आजमी का पलड़ा भारी है जी। इस बार कंफ्यूज है हम लोग कि वोट किसको देना है। अब इस सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ तीन तीन मुस्लिम उम्मीदवार नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट के बुलेट पाटिल और सुरेश पाटिल के मैदान में उतर जाने से इस सीट का सारा समीकरण बदल गया है। तो प्रतिक्रियाओं से आप समझ सकते हैं मानखुर्द शिवाजी नगर नवाब मलिक और अबू आजमी के आमने सामने की फाइट से बेहद इंटरेस्टिंग सीट बन चुकी है। इस विधानसभा को समझने के लिए कुछ और फैक्ट्स हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, मुंबई का शहरी इलाका है पहली बात, और मानखुर्द शिवाजी नगर अपने आप में बड़ी पहचान रखता है।
हालांकि यहां ग्रामीण इलाका नहीं है, बड़ी तादाद में इस इलाके में यूपी और बिहार के लोग रहते हैं, इनका वोट भी निर्णायक होगा। वहीं क्षेत्र में वोटरों की अगर बात करें तो 3,23,420 वोटर्स यहां से आते हैं और इस चुनाव में ये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले तीन चुनाव को देखें तो मानखुर्द शिवाजीनगर इलाके में वोटिंग का प्रतिशत कम रहा है, 40-50% के आसपास ही वोटिंग होती रही है। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो तब अबू आजमी का मुकाबला बीजेपी और शिवसेना के कैंडिडेट से था, तब गठबंधन था दोनों ही पार्टियों में, गोविंद लोकारे प्रत्याशी थे, अबू आजमी को 69,082 वोट्स मिले थे, शिवसेना प्रत्याशी गोविंद लोकारे को 43,481 वोट मिले थे, अबू आजमी जीते थे। फिर 19 से पहले 14 में चलिए, तब भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अबू आजमी ही थे, 41,719 उनको वोट मिले थे, शिवसेना प्रत्याशी सुरेश पाटिल को 31,782 मत मिले थे, फिर उनकी जीत हुई। और 5 साल पहले और आपको ले जाऊं 2009 के चुनाव में, तो अबू आजमी को देखिए मात्र 38,435 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सैयद अहमद को 24,318 मत ही मिल पाए थे, और सिर्फ इतने ही मतों से हार जीत तय हुई थी, तब भी अबू आजमी जीते थे, तो हैट्रिक लगा चुके हैं। यानी चुनाव दर चुनाव अबू आजमी को मिले वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस लिहाज से वो अपनी जीत का दावा भी इस बार कर रहे हैं। लेकिन शायद इसी चुनाव में उन्हें अपने सामने सबसे कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सामने अल्पसंख्यक आबादी से ही आने वाले अजित पवार गुट के उम्मीदवार नवाब मलिक हैं, और कैसे आपने सुना, कंफ्यूज्ड है यहां पर वोटर्स। इस विधानसभा में वोटरों की ताकत भी अब समझ लीजिए, कुल मिलाकर के मुस्लिम वोटरों की बात करें तो आबादी 157,518 यही निर्णायक साबित होते हैं, दलित वोटरों की बात करें 35,902 बड़ी आबादी है मुस्लिम वोटर्स की, और इस वोट का विभाजन अगर होता है, हालांकि अजित पवार बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में क्या मुस्लिम वोटर्स पार्टी देख के वोट देंगे या प्रत्याशी, ये इस बार निर्णायक होने वाला है। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से पिछले तीन चुनावों से समाजवादी पार्टी जीतती आई है, पार्टी प्रत्याशी अबू आजमी जीत के हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार चुनावी मैदान में। 2024 का चुनावी गणित पिछले चुनाव से अलग है, इस बार शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ होकर महायुति और महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, और समाजवादी पार्टी भी खुद को महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बता रही, ऐसे में बदले राजनीतिक माहौल में चुनाव हो रहा है। विधानसभा क्षेत्र में 53% मुस्लिम और 13% दलित हैं, यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल को यहां से 87,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली थी। महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर कुल 27 प्रत्याशी मैदान में, इसमें 15 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी एनसीपी और शिवसेना के अलावा बाकी दूसरे छोटे दलों के उम्मीदवार मैदान में, 13 मुस्लिम प्रत्याशी। आजमी एमवीए में 5 सीटों की मांग कर रहे थे और ऐसा नहीं होने पर 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की धमकी दे रहे थे, लेकिन नवाब मलिक की एंट्री से अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ सकती है। नवाब मलिक जब नामांकन भरने के लिए खुली जीप में सवार होकर निकले थे तो माहौल बदलने वाला गाना बज रहा था। मानखुर्द शिवाजी नगर में माहौल बदलेगा या नहीं ये 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन ये सीट महाविकास अघाड़ी और महायुति की इम्तिहान ले रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान यानी महायुति ने मिहिर कोटेचा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्हें महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार संजय पाटिल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर कब्जा जमाया था। पाटिल की जीत में बड़ा योगदान मानखुर्द शिवाजी नगर का रहा था। संजय दीना पाटिल को मानखुर्द शिवाजी नगर से 1,16,072 वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा को केवल 28,101 वोट ही मिले थे। विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो यहां एमवीए को जीत मिल सकती है। मानखुर्द शिवाजी नगर से 3 बार विधायक रह चुके अबू आसिम आजमी जीत के लिए आश्वस्त हैं, लेकिन अजित पवार ने नवाब मलिक को उतार कर उन्हें घेरने की कोशिश की। महाराष्ट्र के चुनाव में खासकर इस सीट को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं अबू आसिम आजमी, दूसरी तरफ नवाब मलिक शिवसेना का उम्मीदवार तीसरा। लेकिन ये जो लड़ाई है इसलिए बड़ी खास मानी जा रही है कि सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी वोट बैंक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और
अभी तक खासकर दो बार से अबू आसिम आजमी इस पे जीतते रहे हैं और तीन बार से सपा का उम्मीदवार जीता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि सपा की अपनी एक बेस है। चुनाव के आखिरी वक्त के जो मोमेंट होंगे, जो मुद्दे होंगे, वो सब पे आमतौर पर लोकसभा में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, पूरी की पूरी कम्युनिटी ने एक तरफ जाके वोट किया है, अगर वैसी वोटिंग होगी तो नवाब के लिए मुश्किलें हैं। और